यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। कर्मयोगी ही सच्चा सन्यासी है। इस प्रकार के योग से जगत मंगलमय हो जाता है, परिवार, समाज, देश और विश्व सभी का उत्थान होता है। फल की कामना से ही गृह युद्ध, वर्ग युद्ध होते हैं। जब कर्म फल का सभी त्याग कर देंगे तो कल्पना कीजिए कितने मंगलमय लोक की स्थापना होगी। निष्काम कर्म की साधना से गृहस्थ सन्यासी हो जाता है। ध्यान की साधना कर्म, भक्ति और ज्ञान को पूर्णता प्रदान करती है। भक्ति कर्म और ज्ञान के बीच बहने वाली सरस्वती है। भक्ति में कर्म और ज्ञान दोनों का सामंजस्य रहता है और जीवन मानवीय भावों से ओतप्रोत। ध्यान और समदृष्टि साधारण व्यक्ति को योगी बना देते हैं। वो सामाजिक कार्य संपादित करता हुआ एकांत में आसन ध्यान भी करता है। इस प्रकार इस लोक और परलोक के बीच वो एक सेतु का निर्माण कर लेता है, जिसके माध्यम से पारलौकिकता की किरणें उसके इस जीवन को भी आलोकित करती हैं। वो अपना बहिरंतर अर्थात बाहर भीतर प्रकाशमय और सुखमय बना लेता है। अथ षष्ठोध्याय। अनाश्रिता कर्म फलम् कार्यम् कर्म करोति यः ससन्यासी च योगी च न निरग्निर् न चाक्रियः यम सन्यास मिति प्राहुर् योगं तं विद्धि पांडव नय सन्यस्त संकल्पो योगी भवति कश्चन। श्री कृष्ण सन्यासी और योगी में अंतर बताते हुए कहते हैं, हे अर्जुन, जो व्यक्ति कर्म फल से निरासक्त होकर कर्म करता है वही सच्चा सन्यासी है। केवल अग्नि और कर्म छोड़ देने से कोई सन्यासी नहीं हो जाता, न संकल्पों को त्याग देने से ही कोई व्यक्ति सन्यासी होता है। कर्म योगी ही सन्यासी होता है, उसी योग को तू जान। कर्म कारण मुच्यते योगा रूढस्य तस्यैव शमः कारण मुच्यते यदा हि नेन्द्रियार्थेषु
न कर्मस्व नुषज्यते सर्व संकल्प सन्यासी योगा रूढ़स तदोच्यते। हे पार्थ, योग के पर्वत पर चढ़ने के लिए कर्म की सीढ़ी बनानी पड़ती है। फलों के भोगों से उत्तेजित व्यक्ति योगी नहीं हो सकता। शांत मन होना योगी का पहला लक्षण है। जब व्यक्ति की इंद्रियां भोगों में आसक्त नहीं होती, कर्म अकर्म से परे सारे संकल्पों को और भोगों को त्याग कर ही व्यक्ति योग रूपी पर्वत पर आरूढ़ होता है। उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानं मवसादयेत् आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुर् आत्मैव रिपुरात्मनः बन्धुरात्मात्मनस्तस्य येनात् मैवात्मनाजिता अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्ते तात्मैव शत्रुवत्। अपना उद्धार अपने आप करना पड़ता है। उद्धार के लिए कर्म न करने वाला व्यक्ति अपना पतन स्वयं करता है। इसीलिए कहा गया है कि व्यक्ति अपना मित्र भी है और शत्रु भी। जिसने अपने आप को जीत लिया ऐसा व्यक्ति स्वयं अपना मित्र है, और जो इंद्रियों सहित मन से हार गया वो व्यक्ति अपना शत्रु है। जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहिताः शीतोष्ण सुख दुःखेषु तथा माना पमानयो ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो वि जितेन्द्रियः युक्त इत युच्यते योगी समलोष्टाश्म कांचनाः। हे कौन्तेय, जो व्यक्ति सुख दुख मान अपमान में शांत रहता है, जिसने अपने को जीत कर अपने आप को परमात्मा में लीन कर लिया, वही जितात्मा कहलाता है। ज्ञान और विज्ञान से तृप्त होकर जो योग पर्वत पर चढ़ गया, इंद्रियों को जीत कर जिसने मिट्टी पत्थर स्वर्ण को एक जैसा समझ लिया, वही परमात्मा से जुड़ा व्यक्ति योगी कहा जाता है। मध्यस्थ द्वेष्य बंधुषु साधुष
वपि च पापेषु सम बुद्धिर् विशेष्यते योगी युञ्जीत सततम् मात्मानं रहस्ये स्थिता एकाकी यत चित्तात्मा निराशी रप रिग्रह हे अर्जुन, वही व्यक्ति श्रेष्ठ है जो अपने स्नेही मित्र शत्रु उदासीन मध्यस्थ और द्वेष करने वालों में समबुद्धि रखता है। पापियों और पुण्यात्माओं को अपनी विशिष्ट बुद्धि से एक सा मानता है। योगी का धर्म है कि वो समस्त आशाओं का त्याग कर एकांत में स्थित होकर आत्मचिंतन करे और परमात्मा में ध्यान लगाए। प्रतिष्ठाप्य स्थिर मासन मात्मनः नात्युच्छ्रितं नातिनीचं चैराजिन कुशोत्तरं तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यत चित्तेन्द्रिय क्रियः उपविश्यासने युञ्जात् योग मात्म विशुद्धये वह योगी पवित्र स्थान पर कुशा मृगछाल या कोई अन्य आसन बिछाए। वो स्थान न ऊंचा हो न नीचा। उस आसन पर बैठकर चित्त और इंद्रियों को वश में करके आत्मशुद्धि के लिए योग अभ्यास करें। सबके बीच में रहकर योग करना दिखावा या आडंबर के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। समं काय शिरोग्रीवं धारयन् नचलं स्थिरा समप्रेक्ष नासिकाग्रं स्वं दिशश्चा नवलोकयन् प्रशांतात्मा विगत भीर ब्रह्मचारी व्रते स्थितः मनः संयम्य मच्चित्तो युक्त आसीत् मत्परः हे कौन्तेय, योगी को चाहिए कि वो अपने शरीर सिर और गले को एक सीध में रखकर स्थिर बैठे और अपनी नासिका के अग्रभाग पर अपनी दृष्टि एकाग्र करे। इधर उधर न देखे। ब्रह्मचर्य धारण करके शांत मन निर्भय होकर परमात्मा में ध्यान लगाए। जो एकाग्र चित्त मुझ में ध्यान लगाता है वही योगी है। सदात्मानं
योगी नियत मानसः शांतिम निर्वाण परमाम मत संस्था मध्य गच्छति नात यश्न तस्तु योगोस्ति नाचैकांत मनश्नता नचाति स्वप्न शीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुन। हे अर्जुन, योगी का मन सदा नियमित रहता है। वो अपनी आत्मा को मुझे ईश्वर से जोड़ता रहता है। ऐसा योगी निर्वाण की पराकाष्ठा को पहुंचकर परम शांति को प्राप्त करता है। यह योगी न अधिक खाता है, न निराहार रहता है, न अधिक सोता है, न अधिक जागता है। उसका शयन और जागरण समयानुकूल होता है। विहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तस्वप्ना बबोधस्य योगो भवति दुःखः यदा विनियतं चित्तमात्मन् येवाव तिष्ठते निःस्पृह सर्व कामेभ्यो युक्त इत युच्यते तदा। योग्य आहार लेना और योगी के अनुकूल विहार करना योग के लक्षण है। योगी अपने कर्मों को युक्त चेष्टाओं से संयुक्त होकर करता है। समय पर जागता है, समय पर सोता है, यही उसकी नियति है। योग बड़े कष्ट से प्राप्त होता है। ऐसा संयमित योगी समस्त कामनाओं का परित्याग करके निष्प्रिय हो जाता है। यथा दीपो निवातस्थो नींगते सोपमा स्मृता योगिनो यत् चित्तस्य युञ्जतो योग मात्मनः यत्रो परमते चित्तं निरुद्धं योग सेवया यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन् नात्मनि तुष्यति। हे पार्थ, जैसे वायु से रहित स्थान पर दीपक की लौ चलायमान नहीं होती, उसी प्रकार परमात्मा के ध्यान में मग्न योगी का मन चलायमान नहीं होता। ऐसे योग में लगे योगी का चित्त शांत हो जाता है। वो आत्मभाव में लीन परमात्मा का ध्यान करता हुआ आत्मानंद का सतत अनुभव करता है। अन्यत्र न देखते हुए वो आत्मा में संतुष्ट रहता है।
सुखमात्यंतिकम् यत्तद् बुद्धिग्राह्य मतीन्द्रियम् वेत्ति यत्र न चैवायम् स्थितश्चलति तत्त्वतः यम लब्ध्वा चापरं लाभम् मन्यते नाधिकं ततः यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते। योग सुख अतीन्द्रिय होता है। यह आत्यंतिक सुख केवल सूक्ष्म बुद्धि से ही ग्रहण करने योग्य है। जो उस सुख को तत्वतः जानता है उसका चित्त विचलित नहीं होता। परमात्मा की प्राप्ति से बड़ा सुख कोई है ही नहीं। इस तथ्य को जानकर योगी परमात्मा के सुख का अनुभव करता हुआ बड़े से बड़े संकट से भी विचलित नहीं होता। विद्याद् दुख संयोग वियोगम योग संजितम् सा निश्चयेन योक्तव्यो योगो निर्विण्य चेतसा संकल्प प्रभवान् कामांस त्यक्त्वा सर्वा नशेषतः
मनसैवेन्द्रिय ग्रामं विनियम्य समन्ततः। भगवान कृष्ण कहते हैं, जिसका चित्त योगाभ्यास से शांत हो जाता है उस योगी को सुख दुख के आवागमन का भान भी नहीं होता। ऐसे योग से निश्चित रूप से जुड़ जाना चाहिए। मन के संकल्प से उत्पन्न कामनाओं का पूर्ण रूप से त्याग करके ही मन और इंद्रियों का नियमन किया जा सकता है, क्योंकि जब तक मन में कामनाएं रहेंगी मन उद्विग्न रहेगा। शनहि उपरमेद बुद्ध्या धृति गृहीतया आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किञ्चिदपि चिन्तयेत्। यतो यतो निश्चरति मनश्चञ्चल मस्थिरं ततस्ततो नियम्यैतत् आत्मन्येव वशं नयेत्। हे पार्थ, उद्विग्न मन से योग सिद्ध नहीं होता। धैर्यपूर्वक बुद्धि से ही मन इंद्रियों को शनै शनै निरुद्ध किया जा सकता है, क्योंकि आत्मस्थ व्यक्ति मन और बुद्धि से न संकल्प करता है न विचार। व्यक्ति का मन बड़ा ही चंचल है, वो यहाँ वहाँ भौतिक सुखों में भटकता रहता है, इसलिए व्यक्ति को उसको वहीं नियंत्रित करके आत्मोन्मुखी बनाना चाहिए। मनसं येनं योगिनं सुखमुत्तमं उपैति शांत रजसं ब्रह्म भूत मकल्मषं युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी विगत कल्मषा सुखेन ब्रह्म संस्पर्श मत्यंतं सुख मश्नुते। जिसका मन शांत हो, पाप धुल गए हों, मन काम क्रोध से मुक्त हो, ऐसे योगी को ब्रह्मानंद की सुखमय अनुभूति होती है। पाप मुक्त योगी ही आत्मा को परमात्मा में लगाने योग्य होता है, उसे ही परमात्मा की प्राप्ति और ब्रह्म सुख का अलौकिक आनंद उपलब्ध हो सकता है। जो ऐसा नहीं है उसको ऐसा सुख कैसे मिलेगा। सर्वभूतस्थ मात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योग युक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः।
यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति। हे अर्जुन, जो आत्मभाव से समस्त प्राणियों को देखता है वही आत्मयोगी है। वह अपनी समदृष्टि और समभाव से समस्त जगत को आत्मस्वरूप देखता है। हे पार्थ, जो समस्त प्राणियों में मुझको तथा मुझ में समस्त जीवों को देखता है, मैं सदैव उसके साथ ही रहता हूँ और वो भी मेरी दृष्टि से ओझल नहीं होता। सर्वभूतस्थितं यो मां भजत एकत्वमास्थिता सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते। आत्मौ पम्येन सर्वत्र समं पश्यति योऽर्जुन सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः। जो पुरुष अपनी आत्मा को भगवान के परमात्म रूप से जोड़ लेता है और निरंतर मुझ वासुदेव की सेवा में लगा रहता है, वो योगी गृहस्थ अपने सारे कार्य करता हुआ भी मुझ में ही रहता है। एक औंतेय, जो योगी अपने समान ही समस्त प्राणियों को देखता जानता और मानता है, वो योगी परम श्रेष्ठ होता है। योगस्त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन एतस्याहं न पश्यामि चञ्चलत्वात् स्थितिं स्थिराम् चञ्चलं हिमनः कृष्ण प्रमाथि बल दृढ़ं तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम्। भगवान कृष्ण के समदर्शिता के उपदेश सुनकर अर्जुन ने कहा, हे मधुसूदन, जिस समभाव योग के विषय में आपने कहा है उसको मन की चंचलता के कारण अपने नित्य व्यवहार में घटित होता नहीं देखता, क्योंकि ये मन बड़ा चंचल है, बलवान है। जैसे मुट्ठी में हवा नहीं बंधती, वैसे ही मन वश में करना अत्यंत दुष्कर है। संशयं महाबाहो मनोदुर्निग्रह
निग्रहं चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते असंयतात्मना योगो दुष्प्राप्तो इति मे मतिः वश्यात्मना तु यतता शक्यो वाप्तु मुपायतः तब भगवान ने अर्जुन को समझाया कि महाबाहु तुमने ठीक कहा, मन चंचल है और कठिनता से वश में आता है, किंतु अभ्यास और वैराग्य से इसको सरलता से वश में किया जा सकता है। जिन्होंने मन वश में नहीं किया वे योग की प्राप्ति नहीं कर सकते, किंतु जिन्होंने मन वश में कर लिया है वे अंतः साधना से इस योग को प्राप्त कर लेते हैं। यति श्रद्धयोपेतो योगात् चलित मानसः अप्राप्य योग समसिद्धिं कामगतिं कृष्ण गच्छति कच्चिन्नो भय विभ्रष्टः छिन्नाभ्र मिव नश्यति अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढो ब्रह्मणः पथि। इस पर अर्जुन ने मधुसूदन से पूछा कि हे भगवान, जो लोग योग प्राप्त करना चाहते हैं किंतु उनमें संयम नहीं है, ऐसे लोग बिना योग के किस गति को प्राप्त होंगे? हे सर्वसमर्थ, वे ब्रह्मपथ से भटके हुए लोग कहीं बादलों के टुकड़ों की भांति आकाश में छिन्न भिन्न होकर नष्ट तो नहीं हो जाएंगे? उनकी क्या गति होगी प्रभु? संशयं कृष्ण छेतु मरहस्य शेषतः त्वदन्या संशयस्यास्य छेतान युपपद्यते पार्थ नैवेह न मुत्र विनाशस्तस्य विद्यते नहीं कल्याण कृतक कश्चित् दुर्गतिं तात गच्छति। हे कृष्ण, मेरे इस संशय को संपूर्ण रूप से निरस्त करने में एकमात्र आप ही समर्थ हैं, अन्यथा मेरे इस संशय रूपी अंधकार का भेदन करने वाला कहाँ मिलेगा? भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे पार्थ, उस योग भ्रष्ट पुरुष का भी लोक में नाश नहीं होता, क्योंकि आत्मोद्धार की दिशा में बढ़ने वाले व्यक्ति दुर्गति को प्राप्त नहीं होते। पुण्य कृतां लोकान्
उषित्वा शाश्वती समान शुचीनाम श्रीमतां गेहे योग भ्रष्टो भी जायते अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमता एतद्धि दुर्लभतरम् लोके जन्म यदि दृशम् हे पार्थ, योग भ्रष्ट पुरुष स्वर्गादि लोकों में अपने पुण्य कर्मों का फल भोगते हैं और पुण्यों के क्षय होने पर लौटकर श्री संपन्न लोगों के घर में जन्म लेते हैं, अथवा धैर्यवान योग भ्रष्ट व्यक्ति योगियों के कुल में जन्म लेकर पुनः योग साधना की पूर्ति करते हैं। ऐसे कुल में जन्म लाभ जन्मांतरों के पुण्य से ही मिलता है। तत्रतम बुद्धि संयोगम लभते पौर्व देहिकम यतते च ततो भूयः संसिद्धौ कुरु नंदन पूर्वाभ्यासेन तेनैव ह्रियते यवशो जिज्ञासु रपि योगस्य शब्द ब्रह्माति वर्तते। हे पार्थ, ऐसे योग भ्रष्ट व्यक्तियों को पूर्व संचित बुद्धि संयोग एवं संस्कार अनायासी ही प्राप्त हो जाते हैं। हे कुरुनंदन, वे पहले से बढ़कर परमात्मा प्राप्ति के लिए प्रयत्न करते हैं। वे योग भ्रष्ट परवश होने पर भी अपने पूर्व अभ्यास से ही वेद वर्णित सकाम कर्मों के फलों का उल्लंघन करके ब्रह्म प्राप्ति की दिशा में आगे बढ़ जाते हैं। प्रयत्नाद् यत् मानस्तु योगी संशुद्ध किल्बिषः अनेक जन्म संसिद्धस्ततो याति परां गतिं तपस्वीभ्यो धिगो योगी ज्ञानिभ्यो पिमतोधिक कर्मिभ्यश्चाधिको योगी तस्माद् योगी भवार्जुन। हे अर्जुन, प्रयत्न पूर्वक अभ्यास करने वाला योगी तो पूर्व संचित संस्कारों के बल से इसी जन्म में संसिद्धि प्राप्त कर लेता है। वो पाप रहित होकर तत्काल ही परम गति का अधिकारी हो जाता है। योगी तपस्वियों से श्रेष्ठ होता है और शास्त्र पंडितों से भी। वो सकाम यज्ञ करने वालों से भी श्रेष्ठ होता है। तू योगी बन अर्जुन। Thank you.
योगिनामपि सर्वेषां मद्गते नान्तरात्मना श्रद्धावान् भजते यो मां समेयुक्ततमो मतः योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान् भजते यो मां समेयुक्ततमो मतः हे अर्जुन, जप तप यज्ञ ज्ञान इन संसिद्ध सभी साधनों से योग का स्थान सर्वोपरि है। इसीलिए जप करने वाले भक्तों, तपस्वियों, याज्ञिकों और ज्ञानियों से मुझे योगी ही अधिक प्रिय है। समस्त योगियों में भी मुझे श्रद्धावान योगी परम प्रिय है, जो अंतरात्मा में मेरा भजन करता है। आत्मा में निरंतर भजन करने वाले योगी से मेरे निकट कोई हो भी नहीं सकता। For more entertainment, log on and subscribe to www.youtube.com/venusdevotional.